हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अपूर्व आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ऑटो पैशन इंडिया में। आज हम फिर से टाटा के शोरूम आ गए हैं। आज जो गाड़ी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो काफ़ी अच्छी स्पेस अपने कॉम्पैक्ट एरिया में बनाती जा रही है। लोग इसको इसलिए भी कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि इसका जो साइज़ है वो अर्बन यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा है। एक टाइट स्पेसेस पे आप इसको ईजिली पार्क कर सकते हो, एक कमांडिंग पोजिशन मिल जाती है और इसमें काफ़ी मॉडर्न डे फीचर्स मिल जाते हैं। बहुत ही रिच फीचर्स नहीं मिलते लेकिन काम के सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आपको सीधे गाड़ी दिखाते हैं। गाइस, ये है टाटा पंच। ये आप इसका बैक साइड देख रहे हैं और ग्रे कलर में काफ़ी अच्छी लग रही है। ये आप ब्लैक क्लैडिंग देख सकते हैं, गाड़ी के चारों तरफ जा रही है और ये काफ़ी मस्कुलर लुक देती है। फ्रंट से लुक देखिए इसका, जो कॉम्पैक्ट एसयूवी जो अर्बन यूज़ के लिए चाहिए थी उसके लिए परफेक्ट साइज़ है। ग्राउंड क्लियरेंस आप इसका देख सकते हैं, 186 mm का है। चलिए जल्दी से इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। इसके फ्रंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश दी है, टाटा का लोगो दिया है क्रोम में। ये बॉडी कलर बम्पर दिया है ग्रे में और ये आपका पूरा हेडलाइट का सेटअप है। ये फॉग लाइट है। नीचे आप ब्लैक में आप देख सकते हैं ग्रिल दी हुई है, रेडिएटर ग्रिल, मैट फिनिश दिया है। इस तरफ का भी सेटअप बिल्कुल सेम है। यहाँ आपका DRLs दिए हुए हैं, ये इंडिकेटर है। फ्रंट में दो वाइपर्स, बॉडी कलर ORVM आप देख सकते हैं। ये अंदर से ही एडजस्ट हो जाते हैं और फोल्ड हो जाते हैं। नीचे ब्लैक्ड आउट है, इसी में टर्न इंडिकेटर्स हैं। बॉडी कलर इसमें आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं चारों, रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है ड्राइवर एंड पे। इसके टायर प्रोफाइल की बात करें तो 16 इंच का इसमें टायर दिया है, 195/60R16। एलॉय काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। और फ्रंट में आप डिस्क ब्रेक देख सकते हैं, फ्रंट के दोनों टायर्स में आप डिस्क ब्रेक मिलेगा और पीछे के दोनों टायर्स में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। बैक की साइड आ जाते हैं तो इसकी टेल लाइट देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रही है। ये इंडिकेटर पोर्शन है, यहाँ पे आपका रिवर्स लाइट है, नीचे ये रिफ्लेक्टर दिया हुआ है। डुअल टोन में आपको पीछे का बम्पर दिया है, बॉडी कलर और ब्लैक में, ब्लैक मैट फिनिश है। बीच में टाटा की बैचिंग पंच। यहाँ आपको वाइपर्स दिए हैं, डिफॉगर दिया हुआ है और हाई माउंट स्टॉप लैंप दिया है। ऊपर आप रूफ रेल्स देख सकते हैं और फ्रंट में आपको एंटीना दिख रहा होगा। सेम सेटअप इस तरफ भी है। यहाँ पे आपको दो रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको रिवर्स कैमरा दिया हुआ है टाटा के जस्ट नीचे। आपको बूट खोल के दिखाता हूँ। यह आप 366 लीटर का बूट स्पेस देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अंदर स्पेयर व्हील एक बार चेक कर लेते हैं। स्पेयर व्हील का साइज़ है 185/70R15 टूल किट के साथ। ये टायर मोबिलिटी किट दी हुई है, यहाँ आप देख सकते हैं अच्छे से रैप अप किया हुआ है कंपनी ने। और ये हैंडल इसको क्लोज करने के लिए ताकि बॉडी पे कोई स्क्रैच ना पड़े। यहाँ आप राइनो का साइन देख सकते हैं, ये टाटा पंच में मिलेगा आपको। रियर सीट की बात कर ले तो काफ़ी अच्छा स्पेस मिल रहा है, रिक्लाइन एंगल भी मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है और अभी बैठ के आपको दिखाता हूँ। दो ट्रिम आप देख लीजिए, ऑल ब्लैक है हार्ड प्लास्टिक में और वाइट यहाँ पे टच दिया गया है। ये सिल्वर फिनिश में आपके लीवर्स हैं, ट्विटर है, स्पीकर है और पावर विंडो है। या 1 लीटर का बॉटल स्पेस है। यहाँ आप सेंटर में आर्मरेस्ट देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आइसोफिक्स की भी जगह दी हुई है इस साइड भी और इस साइड भी। तीन सीट बेल्ट्स मिल जाती हैं रियर सीट पे और दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। आपको फ्रंट में भी दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। यहाँ पे अंदर आप नी रूम देख सकते हो, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और नीचे फुट रूम भी आप देखिए,
काफ़ी स्पेस मिल रही है मुझे, 5'8" मेरी हाइट है। अगर मैं सेंटर में बैठ के आपको दिखाऊं तो इधर लेफ्ट और राइट में काफ़ी अच्छी स्पेस है, कोई हम्प नहीं है बीच में। पीछे से आप आगे का डैशबोर्ड देख सकते हैं, वो भी डुअल टोन में दिया है, ब्लैक और वाइट में। ये पीछे फ्रंट की दोनों सीट्स पे आपको पॉकेट्स मिल जाती हैं स्टोरेज के लिए। इस साइड का भी डोर ट्रिम बिल्कुल सेम है, आ देता हूँ। ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन है, काफ़ी वाइड ओपन होता है। चलिए फ्रंट पैसेंजर डोर दिखा देता हूँ। इधर का भी डोर ट्रिम आप देख लीजिए, ब्लैक और वाइट में दिया हुआ है, सिल्वर में लीवर दिया है, ट्विटर दिया है, स्पीकर दिया है, पावर विंडो और बॉटल रखने की जगह। फैब्रिक में अपहोल्स्ट्री है, फुल ब्लैक में है और ब्लू इंसर्ट्स के साथ, ब्लू स्टिचिंग भी दी है फ्रंट और बैक में। बीच में आप ट्रांसमिशन देख सकते हैं मैनुअल ब्लू इंसर्ट्स के साथ। ये आपको 7 इंच का TFT डिस्प्ले मिलता है हार्मन का। ये आपका AC वेंट्स है सेंटर में दो, एक कॉर्नर में और एक उस कॉर्नर में। आपको ब्लू इंसर्ट्स उसके ऊपर भी दिए हैं। यहाँ पे काफ़ी थोड़ा सा रफ़ एंड टफ मटेरियल यूज़ किया है, ग्रेश ग्रेश और ब्लैक में। दो एयर बैग मिल जाते हैं, एक पैसेंजर साइड और एक आपको ड्राइवर साइड। अभी उधर चल के दिखाता हूँ। यहाँ पे ग्लव बॉक्स देखिए, कूल्ड वन है, एलिमिनेटेड, डिसेंट स्पेस है, 1 लीटर की 2 बॉटल्स में आ सकती हैं इजिली। इस साइड का सनशेड देख लेते हैं, यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिलता है और बीच में IRVM आपको मैनुअल मिल जाता है, या आपको केबिन लाइट मिल जाती है सिंगल। चलिए बाकी आपको मैं उस तरफ से दिखाता हूँ। इधर का डोर ट्रिम भी बिल्कुल सेम है, ब्लैक और बेज में। यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको चारों पावर विंडो मिल जाते हैं और उसका किल स्विच मिल जाता है, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो ORVM को। और ये सिल्वर लीवर, ट्विटर और स्पीकर, तो टोटल आपके 4 स्पीकर हो गए, 4 ट्विटर और 2 स्पीकर यहाँ पे हो गए पिलर्स पे, इस साइड और इस साइड। ड्राइवर साइड की सीट को आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो मैनुअली। अंदर घुसते ही आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है, ये इको मोड है, ये आइडल स्टॉप और ऑफ के लिए है। यहाँ पे आपको लाइट का बटन मिल जाता है। सीट पीछे करते हैं और आपको अच्छे से दिखाते हैं स्टेयरिंग व्हील। बीच में आप टाटा का लोगो देख सकते हो, ये लेफ्ट और राइट में आपको हॉर्न के लिए पॉइंट्स दिए हैं। यहाँ से आप अपना TFT को कंट्रोल कर सकते हो, वॉल्यूम प्लस माइनस, वॉइस कंट्रोल, कॉल पिक एंड ड्रॉप, इस तरफ से आपका क्रूज कंट्रोल है। एक बार आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर खोल के दिखा देता हूँ। AC को हम बंद कर देते हैं। ये हाफ डिजिटल और हाफ एनालॉग में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया हुआ है। इस तरफ आपका RPM मीटर है और राइट साइड स्पीडोमीटर। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये फ्यूल मीटर की है और नीचे यहाँ पे आपको इंजन टेम्परेचर दिया हुआ है। यहाँ पे अभी आप सिटी मोड लिखा हुआ देख रहे हैं, अब ये इको में चेंज हो गया, 2 मोड्स आते हैं इसमें। ये बीच का आप हरमन का 7 इंच का TFT देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। टच स्क्रीन है, वॉल्यूम प्लस माइनस, यहाँ पे आप करंट देख सकते हैं, एफिशिएंसी दिखा रहा है, ड्राइविंग दिखा रहा है, सेफ्टी और लास्ट बेस्ट क्या एफिशिएंसी निकली है, ओवरऑल ट्रिप बी ट्रिप ए। इसमें आप वॉइस कमांड भी दे सकते हैं, कॉल अनिकेत, सॉरी प्लीज कनेक्ट फोन एंड रीट्राई। फोन अभी नहीं कनेक्टेड है इसलिए इसने बोला ऐसा, एक बार और ट्राई करते हैं। प्ले रेडियो, श्योर प्लेइंग AM। ये आ गया आपका, यहाँ पे ऑटो AC दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे रेयर डिफॉगर के लिए, फ्रंट डिफॉगर के लिए, ये आपके मोड्स हैं एयर के लिए, ये फैन स्पीड के लिए है, प्लस माइनस और प्लस। ये आपका AC का है, AC को ऑफ करने के लिए। ये ऑटो AC का बटन, यहाँ आप छोटा सा स्टोरेज देख सकते हैं
और फ्रंट में यहाँ पे आपको एक यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है चार्जिंग के लिए, और 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है। बीच में आप 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन देख सकते हैं, प्लस 1 रिवर्स। यहाँ पे छोटी सी स्टोरेज है, यहाँ पे भी एक 12 वोल्ट का चार्जर दिया है। हैंड ब्रेक आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इधर का आपको सनशेड देखें तो टिकट होल्डर सिर्फ दिया हुआ है। आप इसकी चाबी देख लीजिए एक बार, पीछे टाटा का लोगो, और फ्रंट में लॉक अनलॉक और बूट खोलने का बटन, और ये सर्च के लिए। चलिए चाबी यहीं छोड़ देते हैं, गाड़ी डिलीवरी के लिए जा रही है। और इसका अगर हम स्टेयरिंग देखें तो ये हम इसको टिल्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक नहीं है इसमें। इग्निशन ऑफ कर देते हैं, एक बार आपको बूट खोल के दिखा देता हूँ जल्दी से। यहाँ नीचे की तरफ आप देखिए, आपको ब्रेक पैडल मिल जाएगा, क्लच और एक्सलेटर, और उधर कॉर्नर पे आपको लेफ्ट साइड डेड पैडल भी दिया हुआ है। यहाँ से बूट ओपन होता है, सॉरी इंजन हुड। आप इंजन देख सकते हैं, ये 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, जो मैक्सिमम पावर 86 BHP की देता है, और मैक्सिमम टॉर्क इसका 115 न्यूटन मीटर का है। अच्छे से इंसुलेशन किया हुआ है यहाँ पे कंपनी ने, काफ़ी क्लीन सेटअप दिख रहा है। चलिए इसको क्लोज कर देते हैं। ओवरऑल लुक इस गाड़ी का अर्बन यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा है, और ये कॉम्पैक्ट साइज़ काफ़ी हेल्प करता है सिटी यूज़ में। इस गाड़ी के डायमेंशन की बात कर ले तो इसकी लेंथ है 3827 mm, इसकी विड्थ है 1742 mm, इसकी हाइट है 1615 mm, इसका व्हील बेस है 2445 mm, इसका ग्राउंड क्लियरेंस मैं आपको बता चुका हूँ 186 mm का है, और इसकी बूट स्पेस भी आपको बता चुका हूँ 366 लीटर्स की है। फ्यूल कैपेसिटी इसकी पेट्रोल में 37 लीटर की है। इसके एक शोरूम प्राइस की बात करूँ तो इस पर्टिकुलर मॉडल की एक शोरूम प्राइस 8,51,900 है, और ऑन रोड प्राइस लखनऊ में 9,66,341 रुपीज़ है मैनुअल में। ये टाटा पंच का क्रिएटिव मॉडल है, मैनुअल का टॉप, और इसका बेस वर्जन जो शुरू होता है टाटा पंच का वो 5,99,900 रुपये का है, और टॉप एंड जो ऑटोमेटिक जाता है वो 9,51,900 रुपीज़ का है। बात करते हैं कि इस गाड़ी को क्यों ख़रीदा जाए। एक तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका कॉम्पैक्ट साइज़, और इसका एसयूवीश लुक जो अर्बन यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा है, और इसकी 5-स्टार रेटिंग ग्लोबल एनकैप पे है सेफ्टी के लिए। और इस गाड़ी में आपको हारमन का म्यूज़िक सिस्टम मिल जाता है, अंदर गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल है, अच्छा रूम मिल जाता है आपको, बूट स्पेस अच्छी मिल जाती है, और दिखने में गाड़ी काफ़ी बोल्ड दिखती है बाहर से। ये सारे इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं परचेज़ करने के। तो अगर आपके पास 9 लाख रुपए होते तो क्या आप ये गाड़ी को कंसिडर करते, मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं आउट ऑफ 5 इस गाड़ी को 3.5 स्टार दूंगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही एयरबैग्स हैं, वो एक इसका थोड़ा लेट डाउन है। एटलीस्ट 4 या 6 एयरबैग्स इसमें होने चाहिए, इससे और भी ज़्यादा सेफ्टी मिल जाती है इस गाड़ी को। बाकी ये गाड़ी आपको 18 के आसपास का एवरेज दे देगी ओवरऑल, जो कि काफ़ी अच्छा है। सो दोस्तों, आज की गाड़ी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हो, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा। और इस वीडियो के लिए मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूँ SRM मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर रोड, लखनऊ, और अनिकेत का। इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा। आने से पहले अपना अपॉइंटमेंट ज़रूर बुक करें, ताकि यहाँ आने के बाद आपका टाइम ना वेस्ट हो पाए और इनके तो आपको पूरा समय दे दें। और जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल, और अपने सर्किल में सर्कुलेट कर दीजिए, ताकि और भी अच्छे से मैं आपके लिए वीडियो ला सकूं और नई नई गाड़ियाँ आपको दिखा सकूं इस अपने चैनल पे। तो मिलते हैं जल्दी, बाय।